The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So hello everyone, namaskar, I am Dr. Paramjeet, you are watching Dr. Education. So friends, do you have exercise karte waqt heart attack ho sakta hai? Kya exercise karte waqt agar aapko कोई दिक्कत होती है, चेस्ट में पेन होता है, तो क्या वो हार्ट अटैक है या होने वाला है? और क्या एक्सरसाइज करने से आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है? आजकल बहुत देख रहे हैं कई एक्टर्स, कई ऐसे बहुत जाने माने लोगों को वर्कआउट्स या एक्सरसाइज करते वक्त हार्ट अटैक कहा जा रहा है कि आता है, आ रहा है, और जान भी जा रही है लोगों की. सो कुछ चीज़ें आज आपको बतानी बहुत ज़रूरी हैं जिसके बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश होना ज़रूरी है कि जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, कई सारे लोग हैं, बल्कि मैं कहूँगा आजकल 70-80% लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, और वो एक मेजर रिस्क फैक्टर अपने आप में है हार्ट डिजीज़ का. यहाँ तक के बोला गया है एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो लैक ऑफ एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं, इंक्रीजेज योर हार्ट अटैक रिस्क बाय 50%. 50% तक आपकी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देगा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो. उसके अलावा एक ही फैक्टर हुआ ये, उसके अलावा कई सारे और फैक्टर्स हैं, जैसे कि सैचुरेटेड या ट्रांस फैट्स ज़्यादा खाना, आपके डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग और फैमिली हिस्ट्री, ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं. इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स इसके साथ जुड़ जाते हैं, पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा बैड लाइफस्टाइल, जंक फूड, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, और कई लोग ड्रग्स भी लेते हैं, वो भी इसमें जुड़ जाते हैं. सो ऑब्वियसली इन सारे फैक्टर्स को कम रखना, मिनिमाइज रखना, कंट्रोल रखने से हार्ट अटैक के रिस्क कम होते हैं. और इसमें आपके जो एक्सरसाइज का फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सरसाइज, स्टेइंग और या जिसको हम एक्टिव रहना कहेंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया तरीका है हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने का. रेगुलर एरोबिक कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज या सिंपल वॉकिंग भी कहें, ये बहुत ही प्रूवन मेथड है जिससे कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस होने के बावजूद भी हार्ट की छोटी मोटी जो दूसरी नसें होती हैं वो भी खुलती हैं. ऑल्टरनेट कोलैटरल सर्कुलेशन, नेचुरल बाईपास जिसको कहते हैं, वो होता है. मतलब वॉकिंग या कार्डियोवैस्कुलर रनिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं आपके रेगुलर बेसिस में, एंड इट कैन एक्चुअली रिवर्स सम ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो बाकी सारी चीज़ों से हो रहा है, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्मोकिंग अगर कोई करता है और उसके साथ वॉकिंग करता है, समटाइम्स इट कैन रिवर्स द रिस्क. ओके, सो वॉकिंग बहुत ज़रूरी है. मगर ऐसा कोई इंसान जिसकी हार्ट में ऑलरेडी बीमारी हो और मे बी उसको नहीं पता, मे बी उसने टेस्ट नहीं कराया, कभी नहीं कराया, हम तो फिट हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम क्यों कराएं 70% ब्लॉकेज, 80% ब्लॉकेज, या कई बार हार्ट में कोई दूसरी बीमारी हो, हार्ट फैला हुआ हो, हार्ट के वेल्स ख़राब हो, हार्ट के लीकेजेस हो, राइट, हार्ट के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो, कंजनाइटल प्रॉब्लम हो, ECG में लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम हो, ऐसा कोई बीमारी हो जो हार्ट की है पता नहीं, ऐसे लोगों में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज करने पर उनका रिस्क ऑब्वियसली बढ़ेगा. जिनको ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है उनका रिस्क बढ़ेगा, उनका हर एक्सरसाइज में रिस्क बढ़ेगा, जिम से नहीं. जिम में तो चलो एक लेवल ऑफ एक्सरसाइज आप जाके करते हो, अगर आप सीढ़ी चढ़ोगे, आप दौड़ोगे, आप कोई सामान उठाओगे, घर पे काम करोगे, तब भी रिस्क बढ़ेगा, राइट. सो एनी फिजिकल एक्टिविटी विच इज़ मॉडरेट और जिसको स्ट्रेनस एक्टिविटी बोलेंगे, उस स्ट्रेनस एक्टिविटी पे रिस्क उसका बढ़ेगा जिसको ऑलरेडी बीमारी है, राइट. सो और जिनको नहीं है बीमारी, जिनको जिनकी बैड लाइफस्टाइल है, जिनका रिस्क बढ़ रहा है, उनका रिस्क कम करेगा एक एक्सरसाइज. सो एक्सरसाइज, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज माइल्ड टू मॉडरेट आपके लिए बहुत अच्छी है, राइट. अब बहुत ही ज़्यादा अति करना, मैराथन भागते जाना, अपने बॉडी को पुश करते जाना एक लिमिट से ऊपर, डिहाइड्रेशन के हो रहा है, पानी भी नहीं पी रहे हैं, ऐसी तैसी हो रही है, पुश ही करते जा रहे हैं, मतलब तो दैट कैन ऑल्सो पुट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस ऑन योर बॉडी. हर हिस्से पर दिक्कत आएगी, राइट. बहुत ही ज़्यादा दौड़ भाग एक ही दिन में, राइट. सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हार्ट. बींग सेड दैट, अगर आपको एक्सरसाइज करते वक्त छाती में दिक्कत हो रही है, या आपको नहीं पता कि मुझे हार्ट की बीमारी है या नहीं, तो अपनी फैमिली हिस्ट्री और अपने रिस्क फैक्टर देखिए, ये. और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अपना सिम्टम देखिए. तो हर उस इंसान को जो 30
35-40 साल का है जिसके रिस्क फैक्टर्स दो से ज़्यादा, अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं दो से ज़्यादा है लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल में प्रॉब्लम, या बाहर का बहुत खाते हैं, फैमिली हिस्ट्री है, या हाई ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे दो भी रिस्क फैक्टर है तो आपको अपने हार्ट के टेस्ट रेगुलरली कराने चाहिए। कौन से टेस्ट कराने चाहिए? हर इंसान को अपने हार्ट की एंजियोग्राफी नहीं करानी। एंजियोग्राफी जो होता है जिसमें हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस कितने हैं वो देखने वाला टेस्ट जो होता है, उसमें डाई का इस्तेमाल होता है या सीटी स्कैन का इस्तेमाल होता है, दोनों का इस्तेमाल भी होता है कई बार, रेडिएशन एंड डाई दोनों का इस्तेमाल होता है, तो वो आपके लिए हर साल कराना हानिकारक है, राइट? सो वो इंडिकेशन किसको करना है किसको नहीं करना है आपके प्राइमरी टेस्ट बताएंगे, स्क्रीनिंग वाले टेस्ट बताएंगे, तो स्क्रीनिंग वाले टेस्ट आपको पहले कराने हैं। जिसकी स्क्रीनिंग वाले टेस्टों में प्रॉब्लम आ रही है वो एंजियोग्राफी कराए, चाहे सीटी एंजियो कराए चाहे कन्वेंशनल एंजियो कराए, बिकॉज दोनों में है डाई इस्तेमाल होता है, सीटी एंजियोग्राफी में ज़्यादा डाई इस्तेमाल होता है, कन्वेंशनल में कम डाई इस्तेमाल होता है, दोनों ही डाई आपके किडनी के लिए थोड़े रिस्क वाले हैं। सो बार बार डाई नहीं इस्तेमाल करेंगे और हर साल एंजियोग्राफी नहीं कराएंगे, लेकिन हर साल अगर आपके रिस्क फैक्टर दो से ज़्यादा है तो हर साल में एक बार आप अपना ECG करा सकते हो, इको कार्डियोग्राफी करा सकते हो और एक स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हो, या तो TMT या स्ट्रेस इको या स्ट्रेस थैलियम, स्ट्रेस मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन। अगर आपके हार्ट में कोई सिग्निफिकेंट बीमारी हो रही है तो ये तीनों टेस्ट आपके पकड़ लेंगे, राइट? और जब तक सिग्निफिकेंट बीमारी नहीं है तब तक कोई इलाज भी नहीं करना है, तब तक इलाज लाइफस्टाइल चेंजेस ही है। हार्ट में एंजियोग्राफी करके अगर आपको 20% ब्लॉकेज मिल भी जाती है, 10% 20%, तो उसका कोई इलाज नहीं करना है। करना क्या है? करेक्ट योर लाइफस्टाइल। सेम अभी करना है, करेक्ट योर लाइफस्टाइल। 10% 20% ब्लॉकेज में भी कोलेस्ट्रॉल ठीक करना है, लाइफस्टाइल करेक्ट करना है। लेकिन जब सिग्निफिकेंट बीमारी हो जाती है 80% 90%, जब इसमें गड़बड़ आती है तभी कोई मेन इलाज करते हैं, हैवी एंटीप्लेटलेट्स का ड्रो ट्रीटमेंट चलाएं, या कोई आप आगे दूसरा ट्रीटमेंट स्टेंट करना या नहीं करना, या नेचुरल बाईपास की तरफ सोचें कि भाई हम दूसरे तरीके को अपनाएं। बट द ओनली थिंग हियर इज कि अगर आपको सिम्टम हो रहे हैं, क्या सिम्टम हो रहे हैं, कब कराएं, दो से ज़्यादा रिस्क फैक्टर है तो, या सिम्टम हो रहे हैं, अगर आपको एक्सरसाइज करते समय छाती में ऊपर नीचे आजू बाजू कहीं भी भारीपन है, दबाव है, जल, या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या चक्कर आ रहे हैं, लाइट हेडेडनेस लग रहा है, या फिर धड़कन में गड़बड़ी लग रही है, या कोई भी अनयूजुअल अमाउंट ऑफ स्वेटिंग हो रही है, तो आप अपने हार्ट के टेस्ट कराएं। नो मैटर आपको क्या लगता है मेरी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है या मेरी बुरी लाइफस्टाइल है, मेरे को तो कोई रिस्क फैक्टर है नहीं, मेरे को तो कुछ है, अगर आपको सिम्टम हो रहे हैं तो आपको अपना चेकअप कराना चाहिए। एक बार एक चेकअप करा लेने में कुछ नहीं जाता, चेकअप है, राइट? चेकअप से सिर्फ ये पता चलेगा बीमारी है कि नहीं है, नहीं है तो बहुत अच्छा। सो एक बेसिक हार्ट चेकअप 30-35 साल के उम्र के ऊपर आपको रेगुलरली साल या दो साल में एक बार ज़रूर करना है। याद रखिए बेसिक टेस्ट में तीन टेस्ट आते हैं, ECG आता है, इको कार्डियोग्राफी आता है, ये हार्ट के रेस्टिंग स्टेट में करने वाले टेस्ट हैं। उसके बाद हार्ट के ऊपर स्ट्रेस दे के टेस्ट होता है कि अगर आपकी हार्ट की बीमारी है तो ड्यूरिंग स्ट्रेस वो बाहर आ सकती है। सो स्ट्रेस के दौरान बाहर आए, कहीं वॉक करते समय, कहीं जॉगिंग करते समय, कभी सीढ़ी चढ़ते समय, कभी सामान उठाते समय, या जिम में, स्ट्रेस ही तो है आपकी बॉडी पे। सो स्ट्रेस के दौरान बाहर आए तो बेटर है ये टेस्ट हम अपने डॉक्टर के सामने स्ट्रेस टेस्ट यानी कि TMT या स्ट्रेस इको या स्ट्रेस थैलियम टेस्ट करके देखें। सो ये इंपॉर्टेंट जानकारी हर उस इंसान के लिए है जिसको अपने शरीर के बारे में डाउट है, दिक्कत है, या जो जागरूक होके अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है, तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बच पाएँ। CT एंजियोग्राफी या एंजियोग्राफी उनका होगा, होना चाहिए, जिनके इन टेस्टों में गड़बड़ आती है, और उसके लिए अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। सो इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में हमारी मदद करें। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। दिस इज डॉक्टर परमजीत। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।